सो है गाइज व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू सब्जेक्ट क्लासेस। सो गाइज आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। क्लियर है? प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट मैंने कंप्लीट करा दिया था। ऑफकोर्स आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और चैप्टर की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है? तो जाके जरूर देख लेना उसको। तो फोर्थ पार्ट को चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्या है फोर्थ पार्ट? -10, -6, -2, -2... ठीक है, इसमें भी हमें वही फाइंड करना है। सबसे पहले बताना है कि ये एपी है। अगर एपी निकला तो इसके आगे के 3 टर्म्स फाइंड करनी है, और अगर नहीं निकला तो वहीं पे स्टॉप कर देना, ठीक है? सो सबसे पहले a2 - a1 करते हैं, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ d1 से। a2 क्या है? -6, -10। ये क्या होगा? -6, -+10। सो दिस विल बी 4। क्लियर है? सो d1 की वैल्यू कितनी आ गई? 4। मतलब इसके और इसके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 4 आ गया। अब मैं निकालता हूँ a3 - a2, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ d2 से। सो a3 क्या है हमारे पास? -2। और a2 क्या है? -6, है ना? a2 क्या है? -6। और a3 क्या है? -2। सो -2 - -6, सो दिस विल बी 4। ठीक है, सो a जो हमारे पास निकला है d2, -6 और -2 का कॉमन डिफरेंस वो भी ठीक आ रहा है, मतलब 4 आ रहा है, कॉमन है, सेम है। अब हम निकालते हैं a4 - a3, जिसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा d3 से। a4 क्या है? 2। -a3 क्या है? -2। सो दिस विल बी 2 + 2 - - + सो दिस विल बी 4। सो इसका भी सेम आ रहा है भाई, ठीक है? सो ये क्या है हमारे पास? इट इज़ एन ए पी। हमारे पास क्या निकली है? ए पी, क्योंकि सबके कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, ठीक है? कॉमन डिफरेंस सेम आया मतलब ए पी है। सो अगर यहाँ पे ए पी निकली है तो इसके आगे के टर्म्स मतलब हमें a5, a6 और a7 भी फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है? तो चलिए फटाफट से उसको फाइंड करते हैं। सो गाइज हम फटाफट से अब a5 को फाइंड करते हैं। a5 का फॉर्मूला क्या था? a4 + d, मैंने आपको बता रखा है, ठीक है? a4 क्या है हमारे पास? 2 + d हमारे पास क्या निकला है? 4। सो a6 की वैल्यू हमारे पास, a5 की हमारे पास वैल्यू कितनी आई? 6 आई। सो गाइज अब हम फाइंड करते हैं a6, ठीक है? सो a6 का हमारे पास फॉर्मूला होता है a5 + d। a5 की वैल्यू क्या आई है? 6 + d क्या है? 4। सो कितनी आएगी? 10। a6 की वैल्यू कितनी आएगी? 10 आ गई। और a5 की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। दो टर्म्स निकल गई। एंड लास्ट निकालते हैं a7। a7 क्या होता है? a6 + d फॉर्मूला होता है। a6 क्या है हमारे पास? 10 + d हमारे पास कितना आया है? 4। सो दिस विल बी 14। तो a7 के हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई? 14 आ गई, ठीक है? सो गाइज हमने जो हमें 3 मोर टर्म्स फाइंड करने के लिए बोली थी वो हमने फाइंड कर ली है, ठीक है? a5, a6 और a7। सो गाइज ये क्वेश्चन यहीं पे एंड होता है, ठीक है? सो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में। ये क्वेश्चन अगर अच्छी तरह समझ में आ गया है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है? सो क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट तक कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट के साथ, ठीक है? और ट्रिग्नोमेट्री की टेंशन मत लो, वो भी कंप्लीट करा दूंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है? तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर देना। सो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।